वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई लोग क्या हाल चाल है? वैसे जिंदगी कितनी भी झंड क्यों ना गुजर रही हो, क्या हाल चाल है का जवाब हमेशा बहुत बढ़िया देना पड़ता है। खैर, ज्यादा टाइम खोटी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पोयम, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आइल का मतलब आइलैंड और इनिसफ्री एक जगह का नाम है। और इस आइलैंड पर रहने की इच्छा रखने वाले कवि का नाम है विलियम बटलर यीट्स। इस पोएम को शुरू करने के लिए कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। पोएट का बचपन इनिसफ्री में गुजरा था, इसलिए वो फिर से वहां जाना चाहता है, और इसके लिए उसने सब कुछ प्लान भी कर रखा है। जैसे वो वहां जाके एक छोटा सा क्ले और फेंस से बना हुआ रूम बनाएगा जहां वो रहेगा, और खाने के लिए वो बीन्स उगाएगा, डेजर्ट के लिए हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते से शहद लेगा। यही नहीं, मधुमक्खी की बज को सुन के जिंदगी के मजे लेगा। वैसे इस बटलर के सपने बड़े ही वियर्ड हैं। सेकंड स्टैंजा। पोएट कहता है इनिसफ्री जो एक शांत भरी जगह है, वहां वो बहुत पीसफुल फील करेगा। वहां हर समय बस शांति ही शांति रहती है। जब सुबह आसमान में बादल होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वेल यानी पर्दे के पीछे आसमान छिप रहा हो, और तब क्रिकेट की आवाज से उसे शांति महसूस होगी। दोस्तों मैं बता दूं, क्रिकेट एक कीड़ा है जो ग्रास हॉपर की तरह होता है। पोएट की इच्छाएं यहीं खत्म नहीं होती, उसे दिन में सूरज की किरण और रात में तारे देखकर पीसफुल महसूस करना है, और शाम को लिनेट नाम की बर्ड को उड़ते हुए देखना है। यार ये पोएम कम जीता जाता ज्योग्राफी चैनल ज्यादा लग रहा है। थर्ड स्टैंजा। अब इतनी प्लानिंग के बाद विलियम फाइनली डिसाइड करता है कि वो इनिसफ्री जाएगा, क्योंकि उसको बार बार लेक के पानी के किनारे पर आने की आवाज सुनाई देती है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सिटी या बिल्डिंग में। उसे ये आवाज अपने दिल में सुनाई देती रहती है। अरे रुको, मेरे भी दिल से एक आवाज आ रही है। कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। चलो तो ये पोयम यहीं खत्म होती है, और अब मैं जाके देख के आता हूं फ्रिज में कोई ढंग की चीज रखी भी है या नहीं। बाय।